गाइस फाइनली कटिंग के लिए रेडी हैं। बस बिल्कुल वो दिस इज फाइनली लुक इसका। ये है, पैसे भी मिलेंगे ना इसलिए इतनी मेहनत की गई है, ऐसे ही थोड़ी। बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज है जैसे कि बारात और माइयों का व्लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं बना होगा, यकीनन मुझे पता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि ममानी का इंतकाल हो गया है। और इंतकाल भी ऐसा हुआ है कि दो दिन पहले मेहंदी वाले दिन तो फातिहा थी, मतलब फातिहा से उठ के डायरेक्ट मेहंदी में आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सबके दिलों में मतलब एक अफसोस होता है। तो बिल्कुल हमने सादगी से मेहंदी की है, ना कोई सॉन्ग था ना कोई हल्ला गुल्ला था, क्या कुछ नहीं सोचा था, बस सब कुछ ऐसे ही रह गया है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह बारात में कहा है कि हाँ, नानी के वहाँ से मालूम हुआ है, मुमानी ने कहा कि एक ही बेटी है, तो उनको ना मतलब अच्छे से आप अपनी तैयारी रखें और उनको रुख्सत करें खुशी खुशी। उन सबके दिल में अरमान होते हैं और हमारी तो एक ही बहन थी, हमारे दिल में पता नहीं क्या क्या अरमान थे, क्या क्या नहीं सोचा था, लेकिन सब कुछ बस ऐसे रह चुका है ठंडा। लेकिन इंशाल्लाह हम अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि हम वली भाई को क्या दे रहे हैं और क्या सिलसिला चल रहा है, और फिर हमारा कौन सा बैंक्वेट है, क्या है वो सब, मतलब कार्ड जो मैंने रिव्यू करवाया उसमें सब कुछ एड्रेस है। तो मैं आप जैसे कि दिखाता हूँ, बाजी जा चुकी हैं पॉलर और ये सामान कहीं कहीं रखा है और ये पैक है। ये नहीं है, ये देना है, गिफ्ट है, ये दे रहा है। ये वली भाई का 3 पीस है, ये ओशन कलर है, मतलब ग्रे टाइप का, बहुत ही प्यारा सा। और ब्राइट का जो सूट है वो ये है, ब्राइट का मैक्सी, ब्राइट मैक्सी, ये इस तरीके की है। तो इस पर वाइट शर्ट है, शर्ट हाँ भाई, अच्छा हाँ शर्ट यहाँ यहाँ अंदर रखी है शर्ट। ये वली भाई का ये है और मैं वॉच दिखाता हूँ, ये वॉच है वली भाई को देनी है ये। और एक सोने की रिंग है, वो मैं निकालता हूँ, पता नहीं वो उसी में रखी थी मम्मा ने कहाँ रखी, ये रही सोने का सारा सामान मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये वली भाई की ये हल्की है लेकिन है बहुत प्यारी, ये वली भाई की सोने की रिंग और ये वॉच और ये सब है। तो बस अभी हम इस व्लॉग को थोड़ा सा मतलब रोकते हैं, मैंने जाना है कटिंग करवाने, कटिंग भी नहीं करवाई, इतने मसरूफ चल रहे थे शादियों में और उसके बाद मतलब तैयारियों में, उसके बाद हो गए हमारा क्या नाम है इंतकाल, उसकी वजह से फिर लेट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, टाइम कितना हो गया, यहाँ पर भी सामान रखा है और ये देखो टाइम कितना हो गया, 4 बज रहे हैं, टाइम बहुत कम है, इसको भी पैक करना है। तो देखते हैं क्या चलता है। हमारे में ये रकम होती है कि गिलास और खोपड़ी की पहले लेनी होती है, जो देखो मैंने इसको कर लिया पैक। तो बस ये अभी तैयारी चल रही है, इसको पैक करना और ये रहा टेप। अबे यार रेडी करके इसमें भर जाते हैं, इसमें भर जाता है मेवा, लेकिन इसमें हमने भरी चीनी, इसको हम करेंगे पैक। गाइस फाइनली कटिंग के लिए रेडी हैं, बस बिल्कुल रेडी और कटिंग होने वाली है, ये शुरू कर रहे हैं। एक फाइनली मेरी कटिंग हो चुकी है, डन, बस शुरू चल रहा है प्रोसेस। हे गाइस बस स्टार्ट करते हैं,
टाई एंड टाई बस टाई होने वाला है। इसको बस ऐसे ही रखना है सामने। मशीन को पकड़ना, इधर आओ। क्या? इसको पकड़ना। गोली लेना है। क्या करना है? बो बो लुक देना है, बो लुक। ओके ओके, बोलो इतनी भी क्या चलती है, दे रहा हूँ, बोल दो, दे दो ये, दे दो जल्दी से, बस काम खत्म करना है। ये हो गया, इस पर टैप लगा के ट्रे पर इसके ऊपर कपड़ा लगाया है, प्यारा सा लुक आ जाएगा। अब आ रह गया है गिलास, इधर पे करो, इधर पे, इधर पे, इधर पे। ये है गिलास, सही है, इसमें हमने लगानी है। टाइम हमारे पास कम है, बहुत ही कम है, और मैं हूँ मैं ना टेंशन में आ रहा हूँ, प्रेशर में आ गया हूँ मैं। इससे ना ये अच्छा बनेगा, यहाँ पे टेप लगा के इसको राउंड घुमा देना। पहले टेप तो निकालो, कोई चार्ज नहीं करो, जब देखोगे ना फिर बात करेंगे। अबे यार ये निकल ना जाए। ये देखो, ये देखो, दिस इज़ फाइनली लुक इसका, ये है। और ट्रे भी सब कुछ, मतलब अभी अभी बिल्कुल अर्जेंट अर्जेंट, और ये भी तैयार कर दिया है। ये सलामी में गिफ्ट होता है, बताया था जैसे कि, और अब इसमें दूध जाएगा बताइए, और फिर इसके पैसे भी मिलेंगे ना, इसलिए इतनी मेहनत की गई है, ऐसे ही थोड़ी। बिल्कुल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है गाइज। तो बस फाइनली हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी चेंज करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बारात का मैं अभी से स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो दूसरे व्लॉग में मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये सबके कपड़े निकले हुए, ये देखो ब्लैक, सब ब्लैक मार रहे हैं, बस मुबशिर अपनी पसंद का ये लेकर आया, बाकी ठीक है, ब्लैक शलवार कमीज है। हम इसको रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब अगले व्लॉग में देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रेडी होने के बाद फाइनली लुक। अभी हमें बाल बनवाने भी जाना है, बहुत लेट हो चुके हैं, और मैं इनको दिखाऊं, रेडी हैं भाई, रेडी हैं, बस इंशाल्लाह जल्दी से निकलते हैं। सारा घर फैला हुआ है, और मैंने बस लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।